इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक और अहम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं मेटामोफोसिस मेटामॉर्फोसिस क्या है मैटामफोसिस जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या आफ्टर टेगमेटाइजेशन और आफ्टर जो है ये एक्डाइसिस थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो आर्थ्रोपोड की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंस है वो है मेटामोफोसिस मेटामॉर्फोसिस जो है दिस इज़ ऑल द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिटवीन फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ लिटिल बिट से लेके अडल्ट की फॉर्मेशन तक जितनी भी सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस यानी इमेचोर स्टेजेस से लेके अडल्ट तक जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं रिड्यूस होते हैं या जो भी चेंजेस आती हैं उन सब को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस ये जो चेंजेस हैं ये अब्रप्ट चेंजेस नहीं होंगी बल्कि इन चेंजेस को हम कहते हैं रेडिकल चेंजेस हैं ये रेडिकल चेंजेस कहाँ कहाँ आ सकती हैं बॉडी फॉर्म में आ सकती हैं फिजियोलॉजी में आ सकती हैं इमेच्योर स्टेज जिसको हम लार्वा कहते हैं लार्वा से लेके अडल्ट बनने तक जो भी चेंजेस होंगी दे आर ऑल अंडर दिस फिन मेटामॉर्फोसिस अब एवोल्यूशन जो आर्थ्रोपोड्स की है दैट हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस ऑफ बॉडी फॉर्म्स के मुख्तु किस्म की बॉडी फॉर्म्स मुख्तलिफ़ क्लासिस में मौजूद हैं इसके अलावा हर आर्थ्रोपोड की हर क्लास के एनिमल्स मुख्तफ एनिमल्स के डिफरेंट बिहेवियर हैं हैबिटेट्स हैं बिटवीन इमेच्योर एंड अडल्ट स्टेजेस ये सारी पॉइंट्स जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट बिफोर कंसीडरिंग द फिनिना ऑफ मेटामार्फोसिस इन आर्थ्रोपोड्स अब अगर हम इसमें एग्जांपल लें क्रैब की क्रैब जो है वो अडल्ट स्टेज में रहता है नॉर्मली सैंडी बॉटम पे किस लिए रहेगा कि वो अपने लाइव प्रे जो है उसको कैच कर सके या डिकेंग ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ कर सके जबकि लारवल क्रैब जो है वो रहता है और फीड कर वाटर में रहेगा और वो फीड करेगा प्लैंकटॉन्स के ऊपर तो ये इम्पोर्टेंट चेंज आप देखें जो कि अडल्ट में डिफरेंट है और इमेच्योर में डिफरेंट है इसी तरह से इसमें एग्जांपल आप कॉकरोच की भी देख सकते हैं कॉकरोच के अडल्ट्स भी डिफरेंट हैं जबकि जो इसकी इमेच्योर स्टेजेस हैं जिनको हम निम्स कहते हैं वो एंटायरली डिफरेंट है उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं होता जबकि कॉकरोच के एडल्ट बॉडी में एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा अनदर एग्जांपल अगर आप लें यहाँ पर कैटरपिलर की है कैटरपिलर जो है अपनी एडल्ट लाइफ में जो इसका मोड ऑफ फीडिंग है ये फीड करता है लीवी वेजिटेशन पे और उसके बाद ये डेवलप करता है इन टू अडल्ट बटरफ्लाई या मौथ पे जो कि नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं यानी लार्वल और अडल्ट की फीडिंग भी डिफरेंट हो सकती है इनकी बॉडी फॉर्म्स भी डिफरेंट हो सकती हैं इनकी बॉडी शेप्स भी डिफरेंट हो सकती है और इनकी फिजियोलॉजी भी अडल्ट और निम्फ की डिफरेंट हो सकती है अब जबकि इतने हम डिफरेंसेस देख रहे हैं इमेच्योर और अडल्ट स्टेजेस में तो इसका ये मतलब है कि स्टेजेस जो हैं डिफरेंट स्टेजेस they do not compete with each other for food or space. इसके अलावा कुछ आर्थ्रोपोड्स या एनिमल्स के अंदर लार्वा जो है इसका मेटामोफोसिस का क्या फ़ायदा होगा कि वो लार्वा जो कि इमेचोर है फ्री स्विमिंग है वो अर्डर डिफरेंट बॉडी के अंदर वाटर के अंदर मूव करता हुआ एक प्लेस से दूसरी जगह पर भी चला जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि मेटामोफोसिस जो है एनिमल के डिस्पर्सल के प्रोसेस के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अडल्ट इसके डिफरेंट हैबिटेट में रहेंगे और लार्वा जो है वो डिफरेंट हैबिटेट में रहेगा और लार्वा अपनी हैबिटेट या फीडिंग की वजह से या डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर भी इजीली जा सक यहाँ पे ये देखें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो एक सिंपल हाउस फ्लाई की हेल्प से शो किया हुआ है दिस इज़ द लाइफ साइकल एग्ज एग्स विल डिवेलप इंटू अडल्ट अडल्ट विल डिवेल्प इंटू प्यूपा प्यूपा विल डिवेल्प इंटू लार्वे अब ये एक एग्जाम्पल है कम्प्लीट मेटामार्फोसिस की मेटामारफोसिस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं कम्प्लीट मेटामारफोसिस भी है इनकम्प्लीट मेटामारफोसिस भी है सूडो मेटामारफोसिस भी, भी है लेकिन इस डाइग्राम हाउस फ्लाई के अंदर कम्प्लीट मेटामारफोसिस में फोर स्टेज जो हैं एग एग लार्वे प्यूपे और अडल्ट दे आर क्वाइट ऑब्वियस अब इसमें आप देखें एग जो है ये डिफरेंट है लार्वे इसके डिफरेंट हैं प्यूपा इसका डिफरेंट है अडल्ट इसका डिफरेंट है फॉर्म में भी डिफरेंट हैं मॉरफोलोजी में भी ये डिफरेंट होंगे फिजियोलॉजी में भी डिफरेंट हैं फीडिंग में भी डिफरेंट हैं और हैबिटेट में भी डिफरेंट है लेकिन ये तमाम स्टेज़ जिसमें एक अडल्ट बनता है इन सब स्टेजेस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मेटामार फोसिस